हे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चींटी, मक्खी, मच्छर इन सबको इंसेक्ट कहते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, जिनके नाम हम नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इंसेक्ट्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे, और वो भी उनके फोटो के साथ। वैसे तो इंसेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उड़ने वाले इंसेक्ट और रेंगने वाले इंसेक्ट, यानी जो जमीन पर चलते हैं। इस वीडियो में हम दोनों टाइप के इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे, वो भी एक साथ। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल संजय मीणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो इंसेक्ट है वो है ये। इसे हिंदी में जुगनू कहते हैं और इंग्लिश में फायरफ्लाई कहते हैं। इनके पास इनकी खुद की लाइट होती है, जिससे वो चमकते हैं, और उनकी लाइट बहुत एफिशिएंट होती है, और इसीलिए उन्हें बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। दूसरा इंसेक्ट है ये। इसे हिंदी में तितली कहते हैं और इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, जो करीबन 12 महीने के आसपास होता है। तीसरा इंसेक्ट है ये। इसे हिंदी में मकड़ी कहते हैं और इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। ये ज़्यादातर बंद कमरों में या बाथरूम में पाए जाते हैं। इसे हिंदी में चींटी कहते हैं और इंग्लिश में एंट कहते हैं। इन्हें कान और नाक नहीं होते, लेकिन फिर भी ये वाइब्रेशन के माध्यम से सब कुछ पहचानते हैं। इसे हिंदी में जू कहते हैं और इंग्लिश में लाउस कहते हैं। ये नॉर्मली इंसानों के सिर में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें सिर में खुजली आती है। इसे हिंदी में दीमक कहते हैं और इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं। ये हमारे घर के फर्नीचर को, दरवाजे को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसे हिंदी में कीट या पतंगा कहते हैं और इंग्लिश में मोट कहते हैं। ये लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, यानी ये इंसेक्ट्स लाइट के आसपास ज़्यादा मंडराते हैं और वहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। इसे हिंदी में भंवरा कहते हैं और इंग्लिश में बम्बल बी कहते हैं। ये नॉर्मली एग्रीकल्चर या फूलों में पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इसे हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं और इंग्लिश में हनी बीज कहते हैं। ये हनी यानी शहद बनाने में मदद करते हैं। इसे हिंदी में व्याग पतंग कहते हैं और इंग्लिश में ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। ये नॉर्मली सीलिंग पे पाए जाते हैं। इसे हिंदी में मक्खी कहते हैं और इंग्लिश में हाउस फ्लाई कहते हैं। ये नॉर्मली हमारे घर में दिख ही जाती है, कभी खाने पे तो कभी हमारे नाक पे, ये बहुत कॉमन है। इसे हिंदी में मच्छर कहते हैं और इंग्लिश में मॉस्किटो कहते हैं। ये नॉर्मली काटते हैं तो एक सुई जैसी चुभन होती है, और ज़्यादा मच्छरों के काटने से हमें मलेरिया भी हो सकता है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। इसे हिंदी में टिड्डा कहते हैं और इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। इसे हिंदी में टिड्डी कहते हैं और इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं। ये नॉर्मली फसल को ख़राब कर देते हैं, जो आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुनाई दे रहा है। इसे हिंदी में ब्रिंग किट कहते हैं और इंग्लिश में लेडी बग कहते हैं। ये अफिड्स को खाते हैं, जो छोटे मुलायम चावल के दाने की तरह होते हैं। इसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं और इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं। ये नॉर्मली किचन में या बंद जगह पर पाए जाते हैं। इसे हिंदी में कनखजूरा कहते हैं और इंग्लिश में सेंटीपेड कहते हैं। सेंटीपेड के बारे में आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसे 30 लेग्स यानी 30 पैर होते हैं। इसे हिंदी में केंचुआ कहते हैं और इंग्लिश में अर्थवॉर्म्स कहते हैं। ये इंसानों के लिए हार्मफुल है, इसलिए हमें अपने बच्चों को इससे बचाना चाहिए, और स्पेशली मानसून सीजन में जब ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसे हिंदी में बिच्छू कहते हैं और इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं। इसके काटने से इंसान की मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये जहरीला होता है। इसे हिंदी में खटमल कहते हैं और इंग्लिश में बेडबग कहते हैं। इनके काटने से हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसे हिंदी में पत्ती किट कहते हैं और इंग्लिश में लीफ इंसेक्ट कहते हैं। ये नॉर्मली एक पत्ते की शेप की तरह होते हैं। इसे हिंदी में फल मक्खी कहते हैं और इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को फर्मेंटेशन करने में हेल्प करते हैं। इसे हिंदी में बड़हस्त किट कहते हैं
और इंग्लिश में प्रेइंग मेंथिस कहते हैं। ये अपने आगे के दो पैरों को ऐसे जोड़े रखते हैं जैसे प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए इसे प्रेइंग किट कहते हैं। इसे हिंदी में इल्ली कहते हैं और इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं। ये बड़े होकर बटरफ्लाई या मोथ बनते हैं। इसे हिंदी में पिस्सू कहते हैं और इंग्लिश में फ्ली कहते हैं। ये बर्ड्स और एनिमल्स के शरीर में चिपके रहते हैं और वहीं से अपना पेट भरते हैं। इसे हिंदी में ततैया कहते हैं और इंग्लिश में वास्प कहते हैं। ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाके अपना पेट भरते हैं। और जो आखिरी इंसेक्ट है वो है ये, इसे हिंदी में झिंगूर कहते हैं और इंग्लिश में क्रिकेट कहते हैं। ये नॉर्मली गार्डन में छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाके गार्डन के फूलों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 30 इंसेक्ट्स के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उनके पिक्चर्स के साथ। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।